कन्नौज कृषि उपज मंडी में नियम के विपरीत कुछ व्यापारियों को एक से अधिक गोडाउन आवंटित कर रखे हैं, जिससे नए व्यापारी मंडी में गोडाउन न मिलने के कारण खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। नए व्यापारी यदि खरीदी के क्षेत्र में आते हैं तो खरीदी के चलते किसानों को फायदा ही होगा। कृषि उपज मंडी में साफ सफाई भी सप्ताह में एक बार ही कराई जाती है। किसानों के लिए बने सुविधा घर में हमेशा ताला लगा रहता है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नीलामी के समय जो उपज प्लेटफार्म पर गिरती है उसका भी किसी को ठेका नहीं दिया गया है, जबकि सीजन में काफी मात्रा में उपज नीचे गिरती है। यदि इसका ठेका दिया जाता तो कृषि उपज मंडी को आय होगी। कृषि उपज मंडी में कितने कर्मचारी कब से कार्यरत है इसकी भी जानकारी प्रभावी सचिव सुजान सिंह भंवर को नहीं है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है आपका? सुजान सिंह भंवर। आप कृषि उपज मंडी में किस पद पर कार्यरत हैं? मैं प्रभारी सचिव हूँ अभी कृषि उपज मंडी में। ये बताएं आप यहाँ पे कि जो साफ सफाई का जो ठेका है वो किस व्यक्ति को दे रखा है, कब से दे रखा है और उसकी सैलरी क्या है? वो तो निरस्त हो चुका है साहब। कब से है वो? जब से ही रुका, एक साल डेढ़ साल होगा। एक डेढ़ साल से कोई साफ सफाई वाला नहीं है यहाँ? नहीं है। वो उससे अपन नगर पंचायत से करवा लेते हैं, संडे संडे बुलवा के। स्थायी रूप से कृषि उपज मंडी में कोई नहीं? हाँ, ये टेंडर ही नहीं उसका, निरस्त हो गया। दूसरा, जो फसल उपज जो गिरती है नीचे जमीन पे, हाँ, उसको समेटने के लिए मतलब किस व्यक्ति को ठेका दिया, कब से दिया है? नहीं नहीं, कोई ठेका नहीं। तो वो जो उपज समेटता है वो कौन ले जाता है, क्या करता है? वो तो है कोई चाची है बेचारी गरीब, वो अपने वो साफ सफाई भी कर जाती है, उसको अपन बोल देते हैं कि साफ सफाई कर जाना, वो साफ सफाई करके चली जाती। अच्छा, तो नियम कोई पैसा ऐसा ऐसा कोई ठेका का नहीं है। नियम क्या है इनके? कहीं नहीं, पहले था इसका नियम साफ सफाई का, तो सरकार ने उसको रद्द कर दिया। और साफ सफाई का ठेके का भी रद्द कर दिया? हाँ, वो सामने वाला आया ही नहीं ना, तो अपने आप निरस्त हो गए। अच्छा, कितने कर्मचारी अपने मंडी में कार्यरत है और कब से है यहाँ? देखना पड़ेगा कब से है, मैं तो अभी आया हूँ, पता चल जाए बता दूं। गबेन सिंह कौर, गबेन सिंह क्या? अच्छा, यहाँ मंडी में कुल कितने कर्मचारी हैं और कब से हैं? कुल तो अभी बता नहीं पा रहा यार मैं। अच्छा, कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि बाहर का व्यक्ति, बाहर मतलब जो है कुछ व्यापारी लोग फसल को खरीद रहे हैं और गाड़ियां यहाँ से भरते हैं और मंडी टैक्स की चोरी भी हो रही है? नहीं नहीं, यहाँ मंडी टैक्स की कोई चोरी नहीं होती, यहाँ पूरा कैमरे लगे हुए हैं, सब मालूम पड़ जाती है हमको, और अपने कर्मचारी भी गेट पे बैठते हैं। अच्छा, बाहर कोई व्यापारी खरीदी नहीं कर रहा है? नहीं, बाहर का कोई नहीं कर रहा, सब लाइसेंसधारी कर रहे हैं। अच्छा, कितने लाइसेंसधारी हैं आपकी कृषि उपज मंडी में? ऐसे तो अपना लाइसेंसधारी 41 ही है। नहीं, टोटल कृषि उपज मंडी में जो बड़े व्यापारी हैं? बड़े व्यापारी तो 10-12 खरीदते हैं बस। अच्छा, बाकी लाइसेंस तो 45-46 करीब लाइसेंस है। लाइसेंस पूरे नगर में? अपने पूरे नगर में नहीं, मंडी समिति के अंदर जो है कार्यालय, और 10-12 ही टोटल खरीदते हैं। अच्छा, कितने गोडाउन है कृषि उपज मंडी में आपके यहाँ पे और उसका क्या नियम है? व्यापारी को कितने गोडाउन दिए जाना चाहिए, क्या नियम है आपके यहाँ? मेरे यहाँ गोडाउन है ना 4-4-8 गोडाउन है। हाँ, 4 छोटे 4 बड़े। अच्छा, तो कितने व्यापारियों के पास है वो? वो 4-5 व्यापारियों के पास है। 8 गोडाउन 5 व्यापारियों के पास है? नहीं, 1-2-3-4। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।